नरुटो और सास्के इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नो डाउट कि सास्के एक सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट में से एक है। उसकी पावर्स भी कमाल की है। वो अकेले ही गारा ऑफ द डेजर्ट इवन सभी कागे एंड होकागे को डिफीट कर सकता है। मैं यहाँ पर सास्के की फाइनल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। उसने बड़े जल्दी ही सुसुनो पर मास्टर कर लिया था। इवन अमतरास को भी उसने काफी बेहतर तरीके यूज करना शुरू कर दिया था। एंड ऐसा कर पाना लगभग हर किसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि सास्के एक बेस्ट निंजा है। बट एक बात बताऊं आपको, हालांकि ये बात हम सभी जानते हैं, सास्के अभी जिस भी पावर्स को पजेस करता है उस पावर्स को पाने के लिए सास्के ने कभी वैसी ट्रेनिंग नहीं की थी सिवाय नरुटो को छोड़ के। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। ये बात हम सभी को पता है कि इताची ने मरने से पहले सास्के को अपनी सारी पावर्स दे देता है, इवन सुसुनो और अमतरास भी। ये सभी पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इन पावर्स की हेल्प से किसी भी टेल बीस्ट को बड़े इजीली डिफीट किया जा सकता था। जबकि सुसुनो और अमतरास जैसी पावर्स को हासिल करने के लिए हर एक उचियास की गांड फट जाएगी। बट ये सभी पावर्स सास्के को बड़े इजीली मिल जाती है। हालांकि सास्के अब रेनेगान से भी पजेस है तो ऑब्वियसली उसकी पावर्स तो अब बेमिसाल होंगी। उसने तो सभी टेल बीस्ट को अपने कंट्रोल में भी कर लिया था, यहाँ तक कि उनकी पावर्स को भी यूज कर चुका है सास्के। अब बात करते हैं अपने हीरो नरुटो की। मेरे पास शायद से वर्ड्स कम पड़ जाएंगे नरुटो के लिए। 9 टेल के अलावा उसने सब कुछ अपनी मेहनत और ट्रेनिंग से ही हासिल किया था। उसने रसिनगान इवन सेज मोड पर सिर्फ मास्टर ही नहीं किया था बल्कि उसके लेवल को भी अपग्रेड किया था। नरुटो की तरह शायद ही कोई दूसरा निंजा हो जो कि सभी जुस्सो को इतने बेहतर तरीके से यूज कर सके। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखे तो बड़े इजीली पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। अगर वन वर्ड में आंसर दो तो नरुटो सास्के से ज्यादा पावरफुल है। मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। जब एंडिंग के सीन में सास्के और नरुटो की फाइट हुई थी तब सास्के के अटैक सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल थे। सास्के रियली वॉन्ट की नरुटो की डेथ हो जाए बट नरुटो सिर्फ उसे रोक रहा था। पर जब सिचुएशन बिगड़ती है तब सीन थोड़ा सा चेंज होता है। सास्के ने अपनी पावर्स को और भी ज्यादा एम्प्लीफाइज करने के लिए सभी टेल बीस की पावर्स का यूज करता है फॉर टेक डाउन नरुटो। बट नरुटो के पास सिर्फ 9 टेल फॉक्स का हाफ पार्ट ही होता है एंड जबकि सेज ऑफ 6 पाथ की पावर्स लगभग खत्म हो जाती है। कसम से गाइस, इतने कम पावर्स होने के बाद भी नरुटो ने सास्के की गांड फाड़ के रख दी थी। हाँ, वो बात अलग है कि जब कुरामा वीक हो गया था तब सिर्फ और सिर्फ नरुटो ही फाइट कर रहा था ताकि कुरामा अपने सेज मोड में जा सके। बट इतना एनफ नहीं है, सास्के के पास और भी पावर्स थी एंड उसने अपना फाइनल अटैक भी किया। सीरियसली, ये अटैक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। सास्के इस अटैक से लगभग नरुटो को जान से मार ही देता बट नरुटो ने अपने सिंपल रसिनगान से उसको ब्रेक कर दिया था। और इसी एक सीन से पता चलता है कि नरुटो सास्के से ज्यादा पावरफुल है। अब ये तो पावर्स की बात हो गई बट नरुटो की जो फाइट करने की टेक्निक है और वो जो इंटेंस सिचुएशन में प्लानिंग बनाता है फॉर डिफीट हिम अपोनेंट, वैसा सास्के कभी नहीं कर सकता। यस, आई नो कि सास्के स्मार्ट है बट नरुटो का दिमाग फाइट के बीच में काफी ज्यादा चलता है और इससे वो अपने अपोनेंट की वीकनेस का पता लगा के उसे हरा देता है। तो अगर कभी सच में फाइट हुई इन दोनों के बीच में तो ऑब्वियसली यार नरुटो ही जीतेगा। तो देखो दोस्तों, मेरा तो हो गया। बाकी आपको क्या लगता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।